हार्दिक एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। वह देखने में बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला एकदम बॉडी बिल्डर लगता था, लेकिन वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी पत्नी पायल एक ऊंचे ख्यालातों वाली और बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाने वाली औरत थी। एक दिन रात के समय जब हार्दिक काम से घर आता है तो पायल उससे बोलती है, आ गए आप काम से, आज कितने की कमाई करके आए हैं आप? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर हूँ। दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर भी आपसे ज्यादा पैसे कमाते होंगे। तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम किसी दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर से शादी कर लेती जो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सके। देखिए मुझसे बकवास मत करिए, एक तो मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रहे हैं। बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, बकवास तुम कर रही हो। एक आदमी थका हारा काम से आता है, उसे एक गिलास पानी पूछना चाहिए, और तुम आते ही पैसों के बारे में पूछ रही हो। कितनी लालची हो तुम। मुझे पैसे की लालची बोलने से पहले मुझे ये बताइए, आप मुझे कितने पैसे दे देते हैं? कितने पैसों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी पूरी तनख्वाह लाके तुम्हें देता हूँ, एक चबन्नी तक नहीं रखता अपने पास, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है? बताओ ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारा मन भर जाए? अगर ऐसी बात है तो मुझे एक सोने का हार बहुत पसंद आया है, मुझे वो दिलवा दीजिए। ठीक है, मेरी तनख्वाह आने दो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे वो हार कल के कल चाहिए। परसों मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसके बर्थडे पार्टी में वो हार पहन के जाना है। लोगों को भी तो पता चले मेरे पास कितना महंगा हार है, घर में पहन कर क्या ही करूँगी मैं। यार कल दिलवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी तनख्वाह अभी नहीं आई है और मैडम जी से उधार मैं मांग नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता यार। मुझे नहीं पता, मुझे 40,000 चाहिए, वो 40,000 का ही है। जब आप मुझे यही नहीं दिला सकते तो मैं और क्या ही कहूँ आपसे। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और हार्दिक अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और अपने आप से बोलता है, किस लालची औरत के साथ मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया। अगर उनकी जुबान का सवाल नहीं होता और वो जिंदा होते ना तो मैं इसे कब का छोड़ चुका होता। अब पैसे कहाँ से लाऊं इतने, 40,000 कहाँ से आएंगे? हार्दिक बिना कुछ खाए पिए पैसों के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन सुबह जब हार्दिक उठता है तब भी पायल आराम से सो रही होती है। उसने ना ही चाय बनाई थी और ना ही नाश्ता बनाया था और ना ही लंच की कोई तैयारी करी थी। हार्दिक चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और नहा धोकर अपने काम पर निकल जाता है और अपने माल के नैना के पास पहुंचता है। नैना नाश्ता कर रही होती है। क्या बात है हार्दिक, आज तो तुम बहुत जच रहे हो। तुम्हारे ऊपर ये ब्लैक कलर की शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही है और ऊपर से तुम्हारी ये बॉडी, बाहर थोड़ा सोच समझ कर निकलना वरना नजर लग जाएगी। मैडम किस्मत तो मेरा मजाक ही बना रही है, लेकिन आप तो मत बनाइए। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो हार्दिक, तुम मुझे सच में बहुत अच्छे लग रहे हो इन कपड़ों में, इसलिए मैंने बोल दिया। और सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छी है। मैडम जी ऐसी बॉडी का क्या ही फायदा जो परिवार की जिम्मेदारी ना उठा सके। हार्दिक तुम क्या ये बातों को घुमा फिरा कर बोल रहे हो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। एक काम करो, तुम आकर मेरे साथ बैठो और नाश्ता करते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ कि क्या बात है। नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार थोड़ी हूँ, मैं ड्राइवर हूँ आपका। देखो बस बहुत हो गया, अब तुम चुपचाप आकर यहाँ बैठो और मेरे साथ नाश्ता करो। हम एक ही एज के हैं और मैंने कभी तुम्हें अपना ड्राइवर ही नहीं समझा है, बल्कि अपना दोस्त भी समझा है। मेरी मम्मी पापा के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिस पर मैं हर तरह से भरोसा कर सकती हूँ। नैना की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक का मन पिघल जाता है और वह उसके पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर नैना बोलती है, बस इतनी छोटी सी बात, इस चीज के लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे, तुम यहीं रुको, जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ये लो 40,000 और अपनी बीवी को उसकी पसंद का हार दिलवा दो, और तुम्हें ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे पैसे लूँ तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे वादा कीजिए कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस करूँगा तो आप ले लेंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम तब मुझे ये पैसे वापस कर देना। ये पैसे वापस करने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
अब मुझे तुम ऑफिस ले चलो। ऑफिस चला जाता है और शाम को वापस आकर अपनी बीवी पायल के हाथ में 40,000 रख देता है। अपने हाथों में 40,000 देखकर पायल की आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं और वह बोलती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने कहीं चोरी तो नहीं करी है? अपने बॉडी बिल्डर होने का कोई फायदा तो नहीं उठाया है तुमने? कहीं पता चले बैंक वैंक लूट के आ गए हो और घर पे पुलिस आ जाए। यार कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच लिया करो, हमेशा बुरा सोचने का फैसला करके बैठी रहती हो। अरे मालकिन से उधार लिए हैं, अब जब पैसे होंगे तो वापस कर दूंगा। तुम्हें भी हार लेना है ना, जाओ ले लो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मालकिन को तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए तुम जब भी प्रॉब्लम में होते हो तो तुम्हारी मदद कर देती है। क्योंकि ना वो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए मेरे दुख दर्द को समझती है। अब तुम मेरी बीवी होकर ये सब तो बिल्कुल नहीं समझती हो। हार्दिक पायल को ताना मारकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पायल पर हार्दिक की बातों का कोई असर नहीं होता। उसे तो बस अपने पैसे से मतलब था। वह अगले दिन सुनार के पास जाकर पूरे पैसे देकर सोना खरीद लाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ चोर उसके हाथ से पर्स छीन कर भाग जाते हैं और वह रोते हुए अपने पति को फोन करती है। हार्दिक जी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं जब दुकान से हार लेकर निकल रही थी तो दो चोरों ने आकर वो हार मुझसे छीन लिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो, उसका तो मैंने 1 रुपए भी वापस नहीं किया है और तुमने वो चोरी करवा दिया। मुझे पक्का यकीन है आपने वो पैसे मुझे बद्दुआ देकर दिए थे, इसलिए वो हार मेरे नसीब में नहीं हो पाया। मुझे वो हार चाहिए किसी भी कीमत पे, बस मुझे हार चाहिए। अब तुम्हें ना कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें जाना है पार्टी में तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। अब मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाओ। हार्दिक इतना कहकर फोन रख देता है, जिसके बाद नैना उससे पूछती है, अब क्या हो गया फिर? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे मेरी पत्नी ने दुखी कर रखा है, वो हार लेकर सुनार की दुकान से निकल रही थी, चोर आए हार छीना भाग गए और वो मुंह ताकती रह गई। अब कह रही है दोबारा दिलवाओ। अरे कहाँ से दिलवाऊं मैं दोबारा, मैं क्या अंबानी की छठी औलाद हूँ? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पत्नी बहुत ज्यादा ही लालची है, इसलिए उन्हें आपकी तकलीफ या परेशानी नहीं दिखाई देती है। नैना इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो लालची है मतलब है, वो सच में लालची है। अब क्या कर सकते हैं यार, शादी हो चुकी है, निभानी पड़ रही है मजबूरी में। नैना को हार्दिक काफी टाइम से पसंद था। उसकी बॉडी बिल्डर वाली पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वह शादीशुदा था, जिसके चक्कर में उसने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी। लेकिन उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा परेशानियां देखकर वह सोने का हार खरीद कर उसकी पत्नी से मिलने पहुंचती है और उसे हार देते हुए बोलती है, आपका पति मेरे यहाँ ही काम करता है, मैं उसकी मालकिन हूँ और ये हार मैं आपके लिए गिफ्ट में लेकर आई हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? आपको आखिर मुझसे चाहिए क्या? मेरी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बॉडी बिल्डर पति को छोड़ने का क्या लेंगी? आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, बस आपको उनको डिवोर्स देना पड़ेगा। आप मुझे मेरे पति का सौदा करने के लिए कह रही हैं? यही समझ लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपकी नज़र में आपके पति की कोई औकात नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे सकती हूँ, और मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दीजिए। मुझे मेरे पति के बदले बहुत सारे पैसे चाहिए, जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकूं, क्योंकि अगर मैं उनके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी तो गरीबी में ही बीतेगी। ठीक है, मैं आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगी, आप बस अपना पति दे दीजिए मुझे, ये सौदा मंजूर है। लालच में आकर पायल अपने पति का सौदा उसकी मालकिन नैना से कर देती है और अपने बॉडी बिल्डर पति के सौदे के बदले वह बहुत सारे पैसे ले लेती है, जिसके बाद वह अपना जीवन आराम से गुजारती है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी और सच्ची जीवन साथी बनकर नैना हमेशा हार्दिक का साथ निभाती है। भक्ति एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। भक्ति का तन मन धन सब देश भक्ति में डूबा हुआ था। साथ ही भक्ति भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी। जहां वो घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती थी, वहीं भगत सिंह को भी रोज पूजा करती थी। ऐसे ही एक दिन भक्ति अपनी क्लास के बच्चों के आगे गीत गा रही थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद
भक्ति के जय हिंद बोलते ही क्लास के सभी बच्चे जोर से जय हिंद का नारा लगाते हैं। तभी भक्ति कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, देश के लिए कभी भी कुछ भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही हो जाएंगे। तो हमारे वीर भगत सिंह की तरह सर उठाकर जीना, गुलामी कभी ना करना। इतना कहकर भक्ति अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आते हुए रास्ते में बैठे कुछ नौजवानों की टोली को बड़े गौर से देखती है, जो मटर गश्ती कर रहे थे। और जैसे ही वो घर आती है, तभी अपने कमरे में लगी हुई भगत सिंह की फोटो के आगे खड़े होकर कहती है, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, जिसे बस नशे, आवारा गर्दी और आलस की आदत है। इन सब के अंदर की देशभक्ति की भावना तो जैसे कपड़ों के मैल की तरह धुल ही गई है। किसी को पता ही नहीं है अपने कर्तव्यों के बारे में, बस हर कोई इसका उसका फैन है, कोई भगत सिंह का फैन नहीं है। भक्ति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भक्ति के साथ नीना हाथों में पानी का ग्लास लिए आकर कहती है, क्योंकि हर कोई मेरी देशभक्त बहू की तरह भगत सिंह का फैन नहीं होता है। बेटा आजकल के लोगों में वो साहस नहीं है जो शहीद भगत सिंह में और उसके साथियों में था। आजकल तो लोग काम करके नाम दूसरों का लगा देते हैं। जी माँ जी सही कह रही हैं आप। आपको पता है मैं तो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा अच्छी सच्ची और देशभक्ति की बातें सिखाती हूँ। हाँ बहू जानती हूँ, चल अब एक काम कर, फ्रेश हो जा और खाना खा ले, फिर शाम को बाजार जाना है कुछ सामान लाने। जी माँ जी ठीक है, जैसा आप कहो। आप खाना लगा लो, मैं अभी आती हूँ। भक्ति की बात सुनकर नीना उसके लिए खाना लगाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और शाम को दोनों बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचकर नीना सब्जियां ले रही थी, तभी भक्ति की नज़र एक गरीब फटे हाल औरत पर जाती है, जो सब्जी वाले की रेड़ी पर खड़ी सब्जी के दाम पूछ रही थी। साथ ही वो हाथ की सफाई से कुछ सब्जियां अपने झोले में भर रही थी। उसे ऐसे करता हुआ सब्जी वाला और भक्ति दोनों देख लेते हैं। तभी सब्जी वाला कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, दाम पूछने के बहाने से सब्जियां चोरी कर रही हो। नहीं नहीं मैंने नहीं किया कुछ भी, झूठ बोल रहे हो आप। अरे गरीब हूँ, बेईमान नहीं, मैंने नहीं ली कोई सब्जी, भारत माता की कसम। उस औरत की बात सुनकर भक्ति को गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर कहती है, कितनी बड़ी देशद्रोही हो तुम। अरे अपनी बेईमानी छुपाने के लिए अपने ही देश की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आ रही? सच तो ये है कि तुम्हें सब्जियां छुपाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करूं, मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम है, उतने में मेरे परिवार के लिए सब्जियां नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये किया। अरे मेरे गुरु शहीद भगत सिंह ने तो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोहों को बुलंदी प्रदान की थी और भागने से भी मना कर दिया था, और तुम सब्जियां चुरा कर भी भारत माता की झूठी कसम खा रही हो। अरे भगत सिंह ने अपने नाम पर फांसी ले ली थी और तुम खुद की हुई चोरी का इल्जाम भी नहीं ले पा रही हो। माफ़ी मांगो अपनी गलती की और वापस करो सारी चोरी की सब्जियां। भक्ति की बातें सुनने के बाद उस औरत का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी चुराई हुई सब्जियां वापस लौटा देती है, जिसके बाद भक्ति अपने पैसों से उस गरीब औरत को सब्जियां खरीद कर देती है और कहती है, सुनो कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत करो, ऐसे कायर मत बनो, और हाँ फिर कभी भारत माता का नाम ऐसे किसी भी झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है। इतना बोलकर भक्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भक्ति अपनी देशभक्ति और भगत सिंह के सिद्धांतों को हर तरफ फैलाती रहती। ऐसे ही एक रात जब भक्ति अपने पति अर्जुन के साथ सो रही थी, तभी भक्ति नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम आजाद होंगे, मेरा भारत आजाद होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति की आधी रात को नींद में होती इस क्रांति की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाहट में उठता है और भक्ति को उठाते हुए कहता है, अरे भक्ति आंखें खोलो, देखो भारत आजाद हो चुका है, बल्कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उठ जाओ मेरी क्रांतिकारी बीवी। हम आजाद हो गए, भगत सिंह का सपना पूरा हो गया, हम आजाद हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति अपनी देशभक्ति और नींद से बाहर आओ। सॉरी सॉरी अर्जुन,
वो मैं सोने से पहले भगत सिंह की एक किताब पढ़ रही थी, उसे पढ़ते पढ़ते कबाक लग गई, पता ही नहीं चला, तो दिमाग में बस वही सब घूम रहा था। सॉरी, तुम सो जाओ, अब कोई नारा नहीं लगाऊंगी, पक्का, सॉरी। भक्ति की बात सुनकर अर्जुन फिर से सो जाता है और भक्ति भी चुपचाप सो जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं और 15 अगस्त का दिन पास आने को होता है और हर तरफ 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्ति भी 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी में लग जाती है। वो स्कूल के बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है, तभी नीना कहती है, अरे बेटा, 15 अगस्त की तैयारी कैसे चल रही है? इस बार क्या करने वाले हैं तेरे बच्चे? माँ जी, इस बार बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही सिखा रही हूँ। इस बार मेरी क्लास के बच्चे भगत सिंह के गाने पर परफॉर्म करेंगे और आपको पता है मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों के लिए भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट भी मंगवाई है। जिस तरह से मैं भगत सिंह के रंग में रंगी हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस बार देशभक्ति और भगत सिंह के रंग बिखेरेंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो माँ जी, अरे मैं क्यों बताऊँ, आप और अर्जुन जी स्कूल आएंगे, बस तभी देख लेना। चलो, अभी बहुत काम है, वो कर लूँ। इतना कहकर भक्ति घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार 15 अगस्त का दिन आता है। नीना और अर्जुन फंक्शन के लिए भक्ति के स्कूल जाते हैं, जहाँ भक्ति की क्लास के बच्चे भगत सिंह का गीत गाते हैं और उनके गाने पर डांस करते हैं और अंत में भक्ति हाथों में झंडा लेकर कहती है, डाक दुश्मन का किला कर जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते, भगत सिंह जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते, खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, तू कैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते, क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भक्ति की इस कविता को सुनकर सब लोग खड़े होकर नम आंखों से तालियां बजाते हैं। तभी भक्ति हवा में झूलते झंडे को प्रणाम करती है और कहती है, क्यों, बस स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर ही हम सबको देशभक्ति याद आती है? हमारे दिल में हर वक्त देश के लिए इज्जत सम्मान कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। हर उस वीर जवान के लिए प्रेम भाव होना चाहिए जो हमारी ही रक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं। करो अपने भारतीय होने पर गर्व, अपने देश पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, क्योंकि सर उठाकर जीना है भगत सिंह की सीख है ये। आओ मेरे साथ जोर से मिलकर बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने के बाद सभी लोग साथ में राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे को फूल अर्पित करते हैं और एक साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और 15 अगस्त के दिन को भक्ति पूर्वक मनाते हैं। कोमल ने आखिरकार अपने घर वालों को मना ही लिया था अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। आज उसकी शादी है। सभी रस्मों रिवाजों के बाद कोमल और प्रताप की शादी हो जाती है। वो कोमल को अपने घर ले आता है, जहाँ कोमल की सास साधना अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारा इस घर को कब से इंतजार था, इस घर की बड़ी बहू आ गई है, अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारूंगी। हाँ माँ, सही कहा आपने, कोमल आ गई ना, अब सब संभाल लेगी। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू मतलब प्रताप, तुम्हारा कोई और भाई भी है क्या? हाँ कोमल, मेरा छोटा भाई है विशाल, वो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, और वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो बैंगलोर में काम करता है एक बहुत बड़ी कंपनी में, अगले हफ्ते आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात हुई, घर में एक ननंद या तेवर तो होना ही चाहिए रौनक लगाने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत भोला है, भले ही काम दूसरे शहर में करता हो लेकिन इतना भोला है कि मुझे हर वक्त उसकी ही फिक्र लगी रहती है। खैर, उसे छोड़, तू अंदर आ जा। साधना अपनी बहू का स्वागत कर उसको घर में ले आती है और उस दिन के बाद से कोमल अपनी सास को आराम देकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक हफ्ता बीत गया था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है,
जिसे सुनकर साधना भागे भागे जाती है। मेरा बेटा विशाल आया होगा, बहु आरती की थाल ले आ जरा। साधना दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसका छोटा बेटा विशाल था। साधना उसको गले से लगाती है। इतने में कोमल आरती की थाल लेकर आती है और अपने देवर को देखकर मन ही मन कहती है, शक्ल से तो कितने हैंडसम है देवर जी, और माँ जी इनको भोला कहती हैं। झूठ, मैं तो मान ही नहीं सकती। कोमल ये बोलकर अपने देवर की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद विशाल कोमल के पैर छूने लगता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप, पैर मत छुइए। अरे बहू, बोला था ना, भोला है मेरा बेटा, इसके नजरों में भाभी भी माँ समान है, इसलिए तुझे अपनी भाभी माँ की तरह इज्जत दे रहा है। सही कहा भाभी माँ ने, आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, तो आप भी मेरी माँ समान हुई। अच्छा आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। विशाल अंदर आता है और कुछ ही देर में उसका भाई प्रताप भी उससे मिलता है, जिसके बाद विशाल सबको बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, इतना खर्चा क्यों किया, अपनी सारी तनख्वाह तो आपने तोहफे लाने में ही लुटा दी। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो बोनस से लाया हूँ, मेरी सैलरी तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है अकाउंट में। हाँ कोमल, मेरा भाई इतना कमाता है कि पूरे परिवार को आराम से बैठा कर खिला सके। छोटा भाई इतना कमाता है और बड़े को देखो, मुझे पहले पता होता कि प्रताप का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है और काबिल है तो मैं इससे शादी क्यों ही कर दी। खैर कोई नहीं, बीवी ना सही, भाभी तो हूँ ही इसकी, इसके भोले बन का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। विशाल के आने के बाद से घर में रौनक थी। आए दिन विशाल सबके लिए कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाता रहता था, लेकिन अब कोमल की पैसों की भूख बढ़ती गई थी, जिसके चलते वो अपने देवर से पैसे निकालने के लिए एक ड्रामा करती है। शाम के वक्त जब विशाल कोमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो वो अपने कमरे में जोर जोर से बातें करने लगती है। माँ मैं क्या कर सकती हूँ, आप तो जानती हैं इनका काम, पैसे कम ही हैं इनके पास। मानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, आपकी बीमारी में आपका साथ देना, दवा दारू करवाना मेरा ही फर्ज है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोमल ये बोलकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विशाल खड़ा था, जो अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप कुछ मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है, और आप बस इतना बताइए कितने पैसे चाहिए आपको अपनी माँ के इलाज के लिए। लेकिन देवर जी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ, नहीं नहीं मैं कुछ और इंतजाम कर लूँगी। नहीं भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मेरे पैसों पर भी तो आपका ही अधिकार है, आप बस बताइए कितने पैसे चाहिए, और आप चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। विशाल बिना ये जाने कि ये बात सच भी है या नहीं, वो पैसे कोमल को दे देता है, और कोमल अपनी माँ के बहाने से पैसे लेकर उनसे अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से कोमल ने अपने चंट दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भोले देवर को फंसाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक शाम साधना अपनी बहू कोमल को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है, बहू जरा देख तो ये लड़कियाँ कैसी हैं, विशाल के लिए रिश्ते आए हैं इन सभी के, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। माँ जी अच्छी हैं, बाकी आप देवर जी से पूछ लेना, लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आए तो मेरा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा देवर जी के पास से, कुछ करना होगा। कोमल शाम के समय विशाल के साथ मार्केट कुछ सब्जियाँ लेने जाती है, जहाँ मार्केट में एक औरत अपनी सास को बेइज्जत कर रही थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोमल अपने देवर से कहती है, देख रहे हो देवर जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ सास को सास नहीं नौकरानी समझती हैं। ऐसी लड़कियाँ घर बनाती नहीं, बिगाड़ती हैं। वैसे माँ जी ने भी आपके लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियाँ ढूंढी हैं, लेकिन पता नहीं कल को वो माँ जी को इज्जत देंगी या नहीं। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। विशाल के दिमाग में अपनी चंट भाभी की बातें बैठ जाती है और वो घर आता है, और जब साधना उसे लड़कियों की फोटोज दिखाती है तो विशाल रिश्ते के लिए मना करते हुए बोलता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी इनमें से किसी भी लड़की से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो भाभी की पसंद से हो, आखिर वो आपकी इतनी सेवा करती हैं, तो उनके जैसी बहू आएगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी ना। बात तो तूने सही कही है बेटा, तो बहू अब तेरे ऊपर है अपने भोले से देवर की बहू ढूंढने की जिम्मेदारी। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने देवर जी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोमल पर अब विशाल के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी थी,
जिसके लिए वो अपने ही रिश्तेदार में कोई शरीफ सी लड़की ढूंढने लगती है जो कि उसके मुताबिक चले। और अपने रिश्तेदारों में से ही एक लड़की माया का रिश्ता कोमल अपने देवर के लिए लेकर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए तस्वीर, ये माया है, मेरी रिश्तेदारी में है, लड़की अच्छी है, आप कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बहू तुझे जो ठीक लगता है वो देख ले, बुला ले घर लड़की वालों को। कोमल माया के घर वालों को अपने ससुराल आने की बोल देती है जहाँ विशाल को माया पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी बीच जब माया वॉशरूम के बहाने छत पर जाती है तो वहाँ एक लड़के से फोन पर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, रिश्ता पक्का हुआ है, शादी थोड़ी हुई है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी। माया ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ कोमल खड़ी थी जो कि माया को कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने ससुराल में इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ से ये कारनामे करके भाग जाओ, समझी? लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ कोमल दीदी, और पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो ठीक है ना, भागने तो तुम वैसे भी वाली हो, तो शादी के बाद भाग जाना थोड़े बहुत पैसे लेकर। इससे मेरे ससुराल वाले मुझे थोड़ा कोसेंगे लेकिन मेरा देवर जितना भोला है वो दोबारा शादी की जिद नहीं करेगा और जिंदगी भर उसकी कमाई मेरे काम आएगी। वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कोमल माया को इस शादी के लिए मना लेती है जिसके बाद रिश्ता पक्का होता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। इससे माया का झुकाव भी विशाल के प्रति हो जाता है और उसे उसके भोले स्वभाव से प्यार हो जाता है। कुछ समय में शादी हो जाती है और शादी के बाद जब माया बहू बनकर घर में आती है तो बोलती है, माँ जी अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं इस घर को और आप सभी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे यही रहेगी। समय गुजरता है और माया घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेती है। सभी माया से खुश होते हैं लेकिन कोमल के तन बदन में आग लग जाती है जिसके चलते वो माया से कहती है, आखिर तुम जा क्यों नहीं रही, तुम तो भागने वाली थी ना, भूल गई हमारी डील के बारे में जो शादी से पहले हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाओगी। माफ करना दीदी, उर्फ जेठानी जी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना, मुझे विशाल जी से प्यार हो गया और वो सच में बहुत भोले हैं, तो उनकी जीवन साथी मेरे जैसी चालाक लड़की को होना चाहिए था, तो अब मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कितनी चालाक हो तुम, पैसों की चमक में आखिर प्यार को भूल गई। अभी सबको बताती हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था शादी से पहले। बता दो, आपने भी जो जो बोला है ना, मैंने भी वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में, तो मैं तो जाऊंगी लेकिन आप भी इस घर से जाओगी। इसलिए भलाई इसी में है कि मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो और अपनी चंटगिरी दिखाने की कोशिश तो करना भी मत, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माया के बदले स्वभाव ने कोमल को हैरान कर दिया था जिसके चलते अब वो ना तो खुद से कोमल के बारे में किसी को कुछ बता सकती और ना ही अपने भोले देवर का फायदा उठा पाती, जिसके कारण अब विशाल कुछ समय बाद माया संग बैंगलोर चला जाता है और कोमल के हाथ अपने चंट दिमाग के चलते खाली रह जाते हैं। गोमती अपनी दोनों बेटियों काजल और महिमा को अकेले पाल रही थी। सिलाई कढ़ाई में माहिर गोमती खुद काम करती और अपनी बेटियों को पढ़ने भेजती ताकि अपनी जिंदगी को वो कुछ अच्छा बना सके। अब उसकी बड़ी बेटी सिलाई कढ़ाई सीख जाती थी और वहीं उसकी छोटी बेटी महिमा अब कॉलेज जाने लगी थी, जिसके लिए एक दिन वो अपनी माँ और बहन के पास आकर कहती है, माँ अब मेरे कॉलेज जाने का समय आ गया है, आप मुझे कोई नई ड्रेस बनाकर दो ना। अरे मेरी बच्ची मैं जानती हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सूट सिला है, तू वही पहन कर जाइयो कॉलेज। सच में माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी मैंने तेरे लिए एक नया कुर्ता सिला है नए स्टाइल का, वो भी तू कॉलेज पहन कर जा सकती है। थैंक यू दीदी। महिमा अपने कॉलेज जाने को लेकर बहुत खुश थी। स्कूल में अव्वल आने की वजह से महिमा को कॉलेज की फीस में भी छूट मिली थी, जिसके चलते उसको अपने गांव से बाहर एक बड़े से कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब अगले दिन महिमा तैयार होकर अच्छे से पूजा करके अपने कॉलेज के पहले दिन जब वहां जाती है तो वहां एक मीशा नाम की लड़की जो कि बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस में कॉलेज आई थी, महिमा को सूट में देखकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पास आकर कहती है, ओ हेलो, गलत जगह आ गई तुम, यहाँ कोई मंदिर नहीं है,
बल्कि कॉलेज है ये। हाँ मुझे पता है ये कॉलेज है और मैं सही जगह आई हूँ। मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या बोला तुम और इस कॉलेज में एडमिशन? अरे ये कॉलेज वाले पागल हो गए हैं क्या? किस किस को एडमिशन दे देते हैं। गाइस देखो इसको ऊपर से नीचे तक, ऐसा लग रहा है किसी जागरण में आई है, वो भी इतना चमक धमक सूट पहनकर। तो क्या हुआ, यहाँ कहीं लिखा है कि सूट पहनना मना है? कम से कम मैंने तुम्हारी तरह अधूरे कपड़े तो नहीं पहने ना। और गाँव के गवार, ये शॉर्ट ड्रेस है, कोई अधूरे कपड़े नहीं। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम्हें ये क्या ही पता होगा शॉर्ट ड्रेस के बारे में। जिंदगी में इन कपड़ों की थान को लपेटे ही घर से निकली हूँ। खैर गाइस चलो यहाँ से, कौन इसके मुंह लगेगा। मीशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद महिमा कॉलेज के अंदर जाती है। वहाँ वो लगभग सभी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने देखती है और खुद से कहती है, ये क्या, यहाँ तो सबके सब मॉडर्न ड्रेस में आए हैं, शॉर्ट ड्रेस जीन्स और मैं सूट में। सच में अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी मंदिर में पूजा के लिए आई हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे ड्रेस आती बड़ी महंगी है और मेरी माँ तो ये कभी ना दिला पाए, बल्कि सूट के कपड़े की ही शॉर्ट ड्रेस बनाकर दे देंगी। इतना बोलकर महिमा अपनी क्लास ढूंढकर लेक्चर लेने चली जाती है, जिसके बाद वो अपने कॉलेज से पहले दिन जब घर आती है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी क्या हुआ, आज इतने बड़े कॉलेज में तेरा पहला दिन था, लेकिन तू खुश होने की जगह उदास क्यों दिख रही है। तो माँ क्या करूँ, पता है आपको कॉलेज में सब कितनी महंगी और छोटे छोटे ड्रेस पहन कर आए थे, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ड्रेस, और मैं सूट में गई थी जैसे वहाँ कोई जागरण हो रहा हो। महिमा की बात सुनकर उसकी बहन काजल वहाँ आकर कहती है, अरे तू कॉलेज पढ़ने गई थी या दूसरों के कपड़े देखने गई थी? वैसे भी वो अमीर घर के बच्चे हैं जो छोटे कपड़े पहनकर आते हैं कॉलेज में फैशन दिखाने के लिए, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। महिमा को भी अपनी बहन की बात सही लगती है और वो बिना किसी बहस के खाना खाए सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ फिर से उसके सूट सलवार को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो उन सब पर ध्यान नहीं देती। तभी उसकी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का ऋतिक आता है, जिसको देखकर महिमा मन ही मन बोलती है, कितना खूबसूरत है ये लड़का, खूबसूरत कहना भी कम पड़े, हसीन है ये तो, चार गुंडे आ जाएं तो हमें ही इसको गुंडे से बचाना पड़ेगा, इतना हसीन है ये। लेकिन ये क्या, ये तो शॉर्ट ड्रेस में घूम रही लड़कियों की तरफ देख रहा है, रहने दे महिमा, यहाँ भी ये शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बाजी मार गई। महिमा कॉलेज में आई तो पढ़ाई करने थी, लेकिन वहाँ की चकाचौंध देखकर उसका भी मन अब अमीर लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज जाने का करने लगा, ताकि उसको भी सब अटेंशन दे, जिसके लिए वो अपने पापा की पुरानी जीन्स को चोरी छुपे काट कर शॉर्ट्स बना लेती है और उन्हीं की एक शर्ट को अपने कॉलेज बैग में रख लेती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आकर वहाँ के वॉशरूम में कपड़े बदल कर बाहर आती है तो सब उसको देख कर हंसने लगते हैं, और वही मौजूद मीशा उसके पास आकर कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या पहना है आपने मिस कपड़ों की थान? क्या पहना है, इसे क्या मतलब, शॉर्ट ड्रेस है ये, शॉर्ट ड्रेस है ये, देखो गाइस ये इस पुरानी जींस को काट कर पहन आई और ओवरसाइज शर्ट को पहनकर इसे शॉर्ट ड्रेस बोलती है, जमहूरी लग रही है एकदम। सभी महिमा पर हंसने लगते हैं, तभी वहाँ ऋतिक आता है जो सबको चुप करवाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो सब, अरे तुम्हें फैशन के बारे में पता भी है कुछ? इस लड़की ने जो पहना है ना वो लेटेस्ट फैशन है, जिसका तुम लोगों को क्या अंदाजा, इसलिए बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कॉलेज का पॉपुलर लड़का अगर ये बोल रहा है तो सच ही होगा, लेकिन ये बहन जी को फैशन सेंस कैसे हो गई? खैर अभी निकल यहाँ से। मीशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऋतिक महिमा को लेकर अकेले में जाता है और बोलता है, ये आपने क्या पहना हुआ है, अरे थोड़ा तो सोचिए, इस कॉलेज में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर की लड़कियां पढ़ती हैं, अगर वो देख लेती तो और मजाक बनता तुम्हारा। वो बस मुझ गरीब की शॉर्ट ड्रेस पहनने की चाहत ने ये सब करवा दिया, लेकिन आपको तो पता था ये सब कोई फैशन नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? अरे तो क्या, एक लड़की को सबके सामने बेइज्जत होने देता क्या, उस समय जो समझ आया बोल दिया। अच्छा अब आप घर जाइए। महिमा ऋतिक की बात मानकर कपड़े बदलकर घर चली जाती है, और आज जो हुआ उस बात से दुखी होकर वो कुछ दिन कॉलेज नहीं जाती, जिससे ऋतिक भी परेशान हो जाता है। और एक दिन वो ऐसे ही पूछते पूछते महिमा के घर आता है, उस समय काजल और गोमते घर पर नहीं थे, जिसके कारण महिमा वहाँ ऋतिक को देखकर हैरान होकर कहती है, ऋतिक जी आप यहाँ, लेकिन क्यों? अरे उस दिन के बाद तुम कॉलेज नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊँ,
वो कॉलेज मेरे लिए नहीं है, वहाँ हमेशा मुझे मेरे कपड़ों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। अरे तो इस चक्कर में तुम कॉलेज आना छोड़ दोगी? हाँ, लेकिन अभी आप जाओ, मेरी बहन और माँ आने वाली है, अगर उन्होंने देख लिया तो गलत सोचेंगी। महिमा इतना बोलकर ऋतिक को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद काजल और गोमती आते हैं। कुछ दिनों तक महिमा के कॉलेज ना जाने से गोमती कुछ नहीं कहती, लेकिन अब परीक्षा पास थी, जिस पर गोमती महिमा से कहती है, महिमा बेटा मैं देख रही हूँ तू 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं जा रही, अरे परीक्षा आने वाली है बेटा, अब तो कॉलेज जा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में, आप मेरा ये गांव के कॉलेज में ही दाखिला करवा देना। पर क्यों बेटा, इतना बड़ा कॉलेज है, तुझे आखिर वो छोड़ के यहाँ के बेकार से कॉलेज में क्यों पढ़ना है? मैं बताती हूँ ना माँ, महिमा के कॉलेज में सब उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, साथ ही उन सबका मुंह बंद करने के लिए महिमा ने बहुत कोशिश की, एक शॉर्ट ड्रेस बनाने की भी, जो कि उसने पापा के जींस के कपड़े को काट कर बनाई थी, पर वो भी सही नहीं बनी। हम गरीब है ना, इसलिए हम शॉर्ट ड्रेस दिलवा भी नहीं सकते, इसलिए इस चक्कर में उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। क्या बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, क्योंकि तुझे इतने बड़े कॉलेज में तो भेज दिया, लेकिन वहाँ के लोगों के सामने तेरा गरीब होने से मजाक बनेगा ये नहीं सोचा था। कोई नहीं माँ, वैसे भी मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में। तू कॉलेज जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। इतना बोलकर काजल बहुत ही सारी शॉर्ट ड्रेस लेकर महिमा के आगे रखकर कहती है, मैं उस दिन कॉलेज गई थी तो मैंने देखा कि शॉर्ट ड्रेस की वजह से तेरा मजाक बना है, तभी मैं सिलाई सेंटर गई और मैंने वहाँ शॉर्ट ड्रेस बनाना सीखा, और देखो मैंने 2 हफ्ते में ही 7-8 ड्रेस बना भी दी, ये सस्ती भी नहीं लग रही है और तू कॉलेज भी जा सकती है, तेरा मजाक भी नहीं बनाएगा कोई। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आपने ये सब मेरे लिए बनाए, थैंक यू सो मच, ये सब बहुत सुंदर है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। महिमा उन ड्रेसेस को पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अगले दिन से कॉलेज उन ड्रेसेस को पहनकर जाने लगती है, तो सबको उसका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है, जिसके बाद महिमा को उस कॉलेज में ढलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान से कर पाती है, साथ ही ऋतिक के साथ भी उसकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।